बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार। कल संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई। लोकसभा में दो युवक विजिटर गैलरी से कूद गए और पीले रंग का धुआं उड़ाने लगे। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दोनों लोगों को पहले सांसदों ने पीटा, फिर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन अब आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट भी खूब वायरल हो रहे हैं। ये आरोपी सागर शर्मा की फेसबुक प्रोफाइल है, जो लखनऊ का रहने वाला है। उसका ये पोस्ट देखिए। सागर ने लिखा है, वैसे लिखना अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, अगर उसकी पहुंच बहुत सीमित हो, परंतु एक प्रकार से ये किसी व्यक्ति के लिए ये उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि भी हो सकती है। भारत एक भयानक स्थिति में है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच डूबती अर्थव्यवस्था एक ऐसे दृश्य को प्रदर्शित करती है, जहां चौराहे पर दुष्टता की परिकाष्ठा हो रही है और लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद करके खुद के जिंदा रहने को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। सागर सरकार से नाराज हैं। उन्हें संविधान सरकार से नाराज होने का, उनसे सवाल पूछने का हक देती है, लेकिन कल जो हुआ वो संविधान के दिए गए अधिकार का फायदा उठाना है। जब व्यक्ति विरोध में अपनी सीमा लांघ देता है तो वो अपराधी बन जाता है। अपराध और अधिकार के बीच एक बहुत पतली सी रेखा होती है, जिसे भारत के हर एक नागरिक को समझना होगा, सागर को समझना होगा। सागर ने भारत के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तस्वीर भी अपने फेसबुक पर अपलोड की है, जिन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह ने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर 1928 में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था। लेकिन क्या उन्होंने ये सारे काम तब किए जब भारत की सरकार देश में राज कर रही थी, या उस वक्त जब देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था? सागर को खुद से सवाल करना चाहिए कि जो कृत्य उसने कल किया, क्या भगत सिंह के नाम पर उसे जायज ठहराया जा सकता है? क्या लोकतंत्र के मंदिर में घुसकर वहां इस तरह प्रदर्शन करना उस देशभक्त का अपमान नहीं जिसे सागर अपना हीरो मानता है? सागर का फेसबुक बायो देखिए। उसने लिखा है, मेरा सपना ही मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखूंगा, आया हूं दुनिया में तो कुछ करके ही मरूंगा। सागर किस सपने की बात कर रहे हैं? उस सपने की जिसने उनके माँ बाप का सिर शर्म से झुका दिया है, या उस सपने की जिसे उन्होंने उस दिन अंजाम दिया जिस दिन संसद पर हुए हमले की बरसी मनाई जा रही थी? ये शोक का दिन था। ये दिन संसद में घुसपैठ के लिए चुनना क्या मैसेज देता है? आप इस हरकत को बचकाना कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हो सकता है सागर को लाइमलाइट में आना होगा, लेकिन ये तरीका बेहद ही घटिया और बेवकूफ़ी भरा था, जहां आप संसद और उसकी गरिमा को तार तार कर दें। लेकिन सवाल सरकार पर भी उठना चाहिए कि जो संसद देश को चलाती है, जहां कानून पास होते हैं, वहां इस तरह कैसे कोई घुसा चला आए? मार्शल्स, सिक्योरिटी कहां थी और क्या कर रही थी? सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जब बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है, तो जब कानून की धज्जियां उड़े और वो भी इस तरह देश के सामने, तो जवाबदेही भी उसकी ही बनती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।